अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। कैंसर भगाओ एक जागरूकता अभियान है, और इस अभियान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमेशा की तरह हमारे साथ है वर्ल्ड फेमस ऑन्को सर्जन डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी। तो डॉक्टर साहब, इस बार मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आखिर कैंसर है क्या? कैंसर क्या है? व्हाट इज कैंसर? क्या कैंसर डेथ का पासपोर्ट है? क्या कैंसर लाइलाज बीमारी है? क्या कैंसर मुझे हो सकता है? क्या कैंसर आखिर ये है क्या? कैंसर जी, क्या ये कोई भयानक सपना है? क्या ये कोई मौत का पैगाम है? कैंसर मुझे पूछो, डॉक्टर माजिद से पूछो, तो ये एक आम बीमारी है, ये कॉमन बीमारी है। ये वो बीमारी है जो मुझे एक डॉक्टर को हो सकती है, ये वो बीमारी है कोई महिला को हो सकती है, ये वो बीमारी है कोई जवान को हो सकती है, ये वो बीमारी है जो मिडिल एज में हो सकती है, ये वो बीमारी है जो ओल्ड एज में हो सकती है। जी, जैसे दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स ये नहीं बोल सकता कि मुझे कैंसर नहीं होगा। तो फिर ये क्या है कैंसर? जैसे आपका घर है वो ईंट से बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है, जैसे बिल्डिंग को बनाने में ईंट की जरूरत है, उसी तरह शरीर को बनाने में कोशिकाओं की जरूरत है, सेल्स की जरूरत है। कैंसर जो बनता है वो भी सेल से बनता है, लेकिन जो सेल होता है, कोशिकाएं होती हैं, नॉर्मल जो सेल्स होते हैं वो बनती हैं, कुछ समय तक रहती हैं। जैसे फूल है, वो कली से फूल से फिर वो मुरझा जाता है और सड़ जाता है। कैंसर जो बिल्कुल उसका अपोजिट है, उसका जो सेल है वो बनता है, वो बढ़ता है, बढ़ते ही रहता है, मरता नहीं है। यानी कैंसर का सेल की मृत्यु नहीं होती है। और ये सेल मल्टीप्लाई होता है। अगर मानो कोई ईंट है, वो ईंट ही ईंट बना रहा है, आपने 10 ईंट रख दी, वो 100 बन गए, 1000 बन गए, लाखों बन गए, करोड़ों बन गए। पानी समुद्र का खतरा, वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। जो कोशिका है, सेल्स हैं, जैसे जुबान है, इसमें मानो के 1000 सेल हैं। हाथ है, मानो के इसमें 10,000 सेल हैं। हार्ट है, जो धड़कता है, उसके मानो के एक 25,000 सेल है। लंग है, मानो कि उसमें 1,00,000 सेल है। अगर ये सेल जुबान पे 100 के जगह 200 हो जाए, 1,000 के जगह 2,000 हो जाए, 10,000 के जगह 20,000 हो जाए, 1,00,000 के जगह 2,00,000 हो जाए, करोड़ के जगह 2 करोड़ हो जाए, और वो 2 करोड़ 4 करोड़ हो जाए, मिलियंस बिलियंस बिलियंस और ट्रिलियंस, अनगिनत सेल्स, तो क्या होगा?
जुबान जो 100 सेल की वो 200 हो जाए, क्या आप बोल पाओगे, क्या आप खा पाओगे, क्या आप सांस ले पाओगे? हार्ट जो 10 सेंटीमीटर का है वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, किडनी है बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, जो कैंसर सेल होता है उसकी कोई मृत्यु नहीं होती है, वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, और वो नॉर्मल सेल नहीं है। जैसे एक समुंदर दो समुंदर हो जाए तो पूरी दुनिया में क्या रहेगा, पानी पानी, सब डूब जाएंगे मर जाएंगे। उसी तरह से ये सेल्स जब बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, अनगिनत तरीके से बढ़ते हैं, बिना कोई लिमिट के बढ़ते हैं, जैसे कि मुंह का कैंसर, तो आप बोल नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, और वो अपने रास्ते को ब्लॉक करके सांस नहीं ले पाओगे। वैसे जो आपके खाने की फूड पाइप है उसका जो साइज है वो है 2 सेंटीमीटर का होता है, 3 सेंटीमीटर का होता है, और खाना उसके अंदर से जाता है, और वहां पे कैंसर सेल आ गया, जख्म बन गया, वो बढ़ गया, वो जो ल्यूमेन है वो क्या होगा, बारीक 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 होते होते फिर वो बंद हो जाएगा। वो बंद हो गया तो आदमी को पहले तो खाना खा लेगा, बाद में खाना भी नहीं खाया जाएगा, फिर पानी पी लेगा, फिर पानी भी नहीं पिया जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। उसी तरह से हार्ट का जो सेल्स है कैंसर सेल्स है वो क्या करेंगे, हार्ट की काम है पंप करना, वो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और ब्लॉक कर देंगे। लंग्स का काम है सांस लेना, जब उसमें ट्यूमर सेल्स हो जाएंगे तो वो सांस भी नहीं ले पाएगा। कहने का मतलब ये है जो कैंसर सेल्स हैं वो एबनॉर्मल सेल्स हैं, वो अनगिनत हैं, वो मरते नहीं हैं, वो बढ़ते हैं और वो फैलते हैं, और जो फंक्शन होता है उनका सांस लेना, जिस जगह का सांस नहीं ले पाएंगे, हार्ट को बीट करना हार्ट नहीं बीट करेगा, खाने के पाइप से खाना वो भी बंद हो जाएगा, किडनी में जाएगा फिर होगा क्या, ब्रेन फेल, किडनी फेल, लंग फेल, हार्ट फेल, आदमी फेल, और आदमी खत्म हो जाता है। ये है कैंसर। अगर वो ट्यूमर सिर्फ उसी जगह पे है और बढ़ता नहीं है फैलता नहीं है तो वो ट्यूमर है। ट्यूमर भी जैसे कि ब्रेन, ब्रेन को आप देखा होगा इस कमरे की तरह है, इस कमरे में कोई चीज में रखूं, ईंट रख दूं, 1000 ईंट 2000 ईंट, क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा। उसी तरह से ब्रेन स्कल है, बाहर नहीं जा सकता, तो होगा क्या वहां पे जब ट्यूमर सेल्स बढ़ेंगे छोटे 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 हुए, तो इस तरह से ट्यूमर में भी आदमी की डेथ हो सकती है, लेकिन हमें यह पता हो कि वो ट्यूमर है किस जगह पे। फूड पाइप में है तो बंद हो जाएगा, लेकिन जो कैंसर होता है उसकी और एक खासियत है, और एक उसकी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो है इन्वेजन, घुसपैठ। ये एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह है। ये क्या करती है, जैसे मुंह में कैंसर हो गया, उस जगह तो इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन अब क्योंकि ये कैंसर है इन्वेड करेगा, तो वहां की जो ब्लड सप्लाई होती है, यहां की जो लिम्फेटिक सप्लाई होती है, उसमें वो अपने बच्चे कहो या ट्यूमर सेल्स कहो, उनको वो डाल देती है। उसके बाद ब्लड जहां जहां जाएगा, अगर वो हार्ट को जाएगा, लंग को जाएगा, ब्रेन में जाएगा, बोन्स में जाएगा, किडनी में भी जाएगा, वहां वहां वो सेल्स वो इन्वेजन के वजह से ब्लड वेसल्स में घुस जाएंगे, लिम्फेटिक्स में घुस जाएंगे और शरीर के हर हिस्से में पहुंच जाएंगे। ये है कैंसर। और जब वो उस जगह पहुंच जाएंगे तो उसको कहते हैं मेटास्टेसिस। जब तक ये बीमारी उसी जगह पे है, जैसे टंग का कैंसर है, टंग का लंप है, टंग का ग्रोथ है, वो उसी जगह पे है, तो स्टेज 1 है, स्टेज 2 है अगर वो ज्यादा बड़ा हो जाता है उसी जगह पे, लेकिन
वो अपनी खासियत दिखा के अगर इन्वेड करता है, इन्वेजन करता है, वो ब्लड वेसल्स में जाएगा और नेक में आ जाएगा। मतलब मुंह का कैंसर नेक में आ गया, ये कैंसर की क्वालिटी है। जब वो नेक में आ गया, फिर वहां से वो ब्लड के थ्रू, लिम्फेटिक्स के थ्रू हार्ट में चला गया, लंग में चला गया, किडनी में चला गया, बोन में चला गया। इसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं, स्टेज 4 डिजीज कहते हैं। ये है कैंसर। पहले एक सेल बनेगा, वो नॉर्मल सेल एबनॉर्मल बनेगा, फिर वो मरेगा नहीं, फिर वो वहीं पे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर वहां से वो फैलेगा। कैसे फैलेगा? एक तो कांटेक्ट से फैल सकता है, जैसे लोअर लिप का ट्यूमर ऊपर टच हो गया तो ऊपर फैल गया, जिसको हम लोकल स्प्रेड कहते हैं। एक खाने के थ्रू, या मान के चलो चला गया, या उस तरह से चला गया, तो हो सकता है कि वो स्टमक में फैल गया या कहीं और फैल गया। और जैसे मैंने कहा, जो मेन मोड ऑफ स्प्रेड है, जो इसके मेन हथियार हैं, वो है ब्लड। और हर जगह देखिए, शरीर में कहीं ब्लड नहीं जाएगा, जैसे पेड़ को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सूख जाएगा, मर जाएगा। कैंसर में होता क्या, अगर शरीर में टंग को ब्लड नहीं गया, कहीं नहीं गया, तो वो शरीर मर जाएगा। लेकिन इसमें होता क्या है, जहां पे कैंसर होता है वहां पे रिच ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां पे ब्लड सप्लाई अधिकतम होती है, ज्यादा होती है, एंजियोजेनेसिस होता है। और उन जगहों से वो सेल्स अपने बेबीज डालते हैं या अपने सेल्स को वो करते हैं, और वो फैलता है। और मेन मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, इसके अटैक कौन सा होता है, आर्मी से होता है, या नेवी से होता है, या एयरक्राफ्ट अटैक होता है। इसका जो अटैक होता है वो होता है नेवी की तरफ, ब्लड स्ट्रीम्स में, लिम्फेटिक्स में, टच में, और वायु की तरह कैसे होता है, जैसे स्टमक का कैंसर है, वो सेल अपना पेरिटोनियम में फेंकेगा, वायु अटैक, इसको ट्रांस सीलमिक स्प्रेड कहते हैं। वो अपने सेल को डालेगा, नीचे ओवरीज यूट्रस नीचे रहती हैं, तो उसके ऊपर वो पड़ेगा और वहां पे ट्यूमर नया बनेगा। ये स्टेज 4 ट्यूमर है। जब तक ट्यूमर अपनी जगह पे है वो लोकलाइज्ड ट्यूमर है, स्टेज 1 ट्यूमर है। जब वो वहां से गले में आ गया तो वो स्टेज 2 ट्यूमर हो गया। उसके बाद जब वो स्प्रेड कर गया, स्टमक का ट्यूमर ओवरीज में आ गया, या स्टमक का ट्यूमर गले में आ गया, या मुंह का ट्यूमर लंग्स में चला गया, किडनी में चला गया, ये जो स्प्रेड होता है, ये स्टेज 4 डिजीज है। और मेन मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, जैसे हमने कहा, हेमेटोजिनस स्प्रेड, जो ब्लड के थ्रू चला जाता है, खून के नलियों के थ्रू जाता है, लिम्फेटिक स्प्रेड, जो हमारे बॉडी का जो लिम्फेटिक्स होते हैं उसके थ्रू चला गया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्प्रेड, जैसे लिप से। इस तरह से क्या होता है, कैंसर अपने आप को पहले एक जगह पे आता है, फिर अपने आप को एबनॉर्मल करता है, फिर अपने आप को फैलाता है उस जगह पे, फिर उसके बाद एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह गले से दूसरी जगह पे चला गया, मुंह से या पेट, जैसे स्टमक से ओवरीज में चला गया, और ये डिजीज लास्ट स्टेज में चली गई और मृत्यु हो जाती है। कैसे? किडनी फेल होगी, लिवर फेल होके, ब्रेन डेथ, कार्डियक फेलियर से, मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है। और जिस तरह से वो तड़पता है, जो दर्द होता है, जो परेशानियां होती हैं, वो पेशेंट के लिए, परिवार के लिए, डॉक्टर के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए देखने के, मतलब इतनी दर्दनाक मौत होती है, वो आप और हम सपने में भी सोच नहीं सकते। ये है कैंसर। इसलिए लोग सोचते हैं कि कैंसर जिसको हो गया वो मरेगा, वो बोलते हैं कि इसको पासपोर्ट मिल गया डेथ का। कहते हैं कि जिसको कैंसर हो गया अब वो नहीं बचेगा।
इसको कैंसर कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम ये बात कर रहे थे कि स्टेजेस ऑफ कैंसर। मैं ये जानना चाह रही थी, और इनफैक्ट दर्शक भी ये सब जानना चाह रहे होंगे, कि जो आपने स्टेजेस बताई हैं, तो कैसे पता चलता है, जो सिम्टम्स होते हैं, वो कैसे पता चलता है कि हम फर्स्ट स्टेज पे हैं या सेकंड स्टेज पे हैं? जैसे एक इंसान को कैंसर हुआ, वो फर्स्ट स्टेज पे है, उसे नहीं पता चला, या एनी हाउ उसको पता चल गया और सेकंड स्टेज में वो जो टेन्योर होता है, वो टेन्योर कितना होता है और सिम्टम्स क्या होते हैं? आपका जो सवाल था स्टेजेस ऑफ कैंसर, ये जो स्टेजेस हैं, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कोई परीक्षा में बैठा हो। परीक्षा 4 घंटे की है, 4 घंटे में पहला घंटा स्टेज वन है, पहला घंटा बीत गया, जो दूसरा घंटा वो स्टेज टू है, उसके बाद का जो नेक्स्ट आवर है वो स्टेज थ्री है, और लास्ट जो 1 घंटा बचेगा वो स्टेज फोर है। अब एज अ पेशेंट आप सोचोगे कि नहीं, मैं इलाज अभी नहीं करूंगा, स्टेज टू में करूंगा, मैं अभी नहीं करूंगा, मैं स्टेज थ्री में करूंगा। फिर बोलेगा नहीं, मैं स्टेज फोर में कराऊंगा। आपको जो लिखना है परीक्षा में, क्या कोई 4 घंटे का जो इम्तिहान का जो आपको लिखना है, क्या वो आप 1 घंटे में लिख सकते हो? पॉसिबल है? हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसी तरह स्टेज फोर में सिर्फ 30% चांस है कि आप पास हो सकते हो। अगर कोई ये सोचे कि आखिरी 2 घंटे में स्टेज थ्री स्टेज फोर में मैं लिख दूंगा पूरा, चांस है कि 50% बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है। आदमी ये सोचे कि नहीं, मैं 3 घंटे में करूंगा, स्टेज टू में करूंगा, तो 70% चांस है कि वो अपनी परीक्षा ठीक से लिखे। और स्टेज वन में पहले घंटे से आदमी शुरू हो जाए, पहले सेकंड से, जैसे पेपर मिला कैंसर हुआ, भागो, नहीं पता चला कैंसर, भगाओ से पूछो, नहीं पता चल रहा है, आपके आसपास के अड़ोस पड़ोस के कोई डॉक्टर से पूछो, और अपना मैराथन पहले सेकंड से शुरू करो, ताकि आप समय रहते रहते अपनी जिंदगी को बचा सको, अपने अनमोल जीवन को बचा सको। क्योंकि स्टेज वन में जो बचने के चांसेस होते हैं वो लगभग 100% है, आप बचोगे ही बचोगे। स्टेज टू में बचने के जो चांसेस हैं वो सिर्फ 70% है, स्टेज थ्री में बचने के जो चांसेस हैं वो लगभग 50% है, स्टेज फोर में 30% है, बच भी सकते हो, नहीं भी बच सकते हो। अफसोस की बात यह है कि हम परीक्षा तो दोबारा ले सकते हैं, लेकिन आपका अनमोल जीवन एक बार गया, वो दोबारा कभी आ नहीं सकता। तो जो हमारा जो मैसेज है आपको वो है, स्टेज के चक्कर में ना पड़े कि भाई अभी आराम है, मैं आराम से इलाज करवा सकता हूं। आप ये भी जानना चाहती थी कि स्टेज वन में कैसे पता चले कि भैया बीमारी स्टेज वन में है नहीं है, या स्टेज टू में है नहीं है, कैसे? मानो कि मुंह के कैंसर की बात करते हैं हम, अगर जो छाला है, जो जख्म है, जो गांठ है, 2 सेंटीमीटर तक है, उसको T1 या स्टेज वन में आप उसको गिनते हैं, मतलब इसको आप काटोगे फेंकोगे तो ये बच जाएगा। स्टेज टू में ये जो ट्यूमर जो होता है 2 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर तक हो सकता है, और हो सकता है कि गले में भी वो मेटास्टेसाइज हुआ हो, लिम्फैटिक स्प्रेड से गले में आया हो,
वो स्टेज टू है। स्टेज थ्री में 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा ट्यूमर है और उसकी जो गांठे एक नहीं बल्कि अनेक हैं, 2, 3, 4 गांठे उसके बनी हुई हैं। ये स्टेज थ्री है जो फैल चुका है, जो लंग में जा चुका है, लिवर में जा चुका है, किडनी में जा चुका है, हड्डियों में जा चुका है, शरीर के हर हिस्से में जा चुका है। और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और वो डॉक्टर बोल रहा है कि मुझे पता नहीं ये आया नीचे से या ऊपर से, ये मुंह से कैंसर नीचे गया है या नीचे ओवरी से निकल के मुंह में आया है या गले में आया है, क्योंकि ट्यूमर हर जगह है। जो इस तरह का जो ट्यूमर होता है वो स्टेज 4 है। और सबसे अफसोस की बात ये है, परेशानी की बात ये है कि हमारे देश में 80% जो कैंसर से पीड़ित होते हैं वो लोग आते हैं लास्ट स्टेज में, आखिरी समय पे। और इसी के कारण हमारे देश में 80% मरीज 1 साल के भीतर भीतर मर जाते हैं, वो मौत का पासपोर्ट बन जाते हैं। और समीता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च, कैंसर भगाओ, जो ये टीवी पे हर रोज सुबह 5 बजे आपके लिए जो ये प्रोग्राम ला रहा है वो क्या चाह रहा है? वो बस यही चाह रहा है कि 80% कैंसर के मरीज वो स्टेज 1 में आए और अपनी जिंदगी को सुरक्षित करें, 100% रिजल्ट के साथ वो घर जाए। जो मिशन है, विजन है, वो स्वस्थ भारत के लिए है, कैंसर फ्री भारत के लिए है। जय हिंद।